لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا दिन वांगू रातां रोशन हैं किड़ा साफ किरदार नबी दा दुश्मन भी अमान ता रख रख के पे करन इतबार नबी दा
चन नालों ज्यादा हुसीन दिसे सोहना रुखसार नबी दा किड़े किस्मत वाले सहाबा सन जिन्ना कीता दीदार नबी दा। हमदो सना और दुरूद सलाम दे बाद अहबाबे ज़िवकार गुयूर मुसलमानों अजीज भाइयो दोस्तों बुजुर्गो और पर्दे अंदर बैठने वाली मुअज़्ज़ज़ात माओं बहनों, दुनिया के अंदर जितने बंदे भी आए ने किसी मजहब के नाल या किसी मसलक के नाल कोई ताल्लुक रखने वाला है जिदे नाल उदी उल्फत होएगी उदा ताल्लुक होएगा उदे बारे उनू सारा मालूमात और पता होएगा। मिसाल ले लो, आज किसी नेक बंदे दे नाल असी अपना ताल्लुक बनाने हैं। कई ऐसे अफराद ने उन्होंने पीर बनाए होंगे ने जी साड़ा पीर है, साढ़े पीर दियाँ फलां फलां खूबियां ने, फलां फलां खसूसियात ने, फलां तरह के उन्होंने बाल ने, फलां तरह का चेहरा, फलां तरह की पग बनते हैं। एक एक चीज़ असं अपनी नज़रों के अंदर अपने जहन माइंड के अंदर महफूज की होंगी है, लेकिन जिन्हों असं अपना पीर मनिया, अपना महबूब मनिया, अपना नबी मनिया, सानू भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे कुछ पता है वे कि कोई ना। अज तुसी जितने अफराद बैठे हो, मैं बड़ा अच्छा गुमान करना तुहानू सारे नबी पाक अली सलातु सलाम का नाम आंदा होएगा, नबी पाक दे बाप दा और वालिदा दा नाम आंदा होएगा। हत्ता कि साढ़े अंदर कलमा पढ़ने वाले ऐसे लोग भी मैं देखे ने जिन्हां नू नबी पाक दा नाम ही नहीं आता। गुजरांवाला मेन शहर के अंदर मैं अरसा तकरीबन डेढ़ साल जोर दे बाद ना मैं दरस देंदा रहा, जो मैं आगाज़ किया ना उत्थे मैं लेबर वगैरह आँदी सी दरस सुनने वास्ते, मैं उन्होंने बाद अंदर बिठा लेना तो पूछना नबी पाक अली सलातु सलाम का नाँ दसो, कलमा सुनाओ, कदी कदी ना कोई सवाल करदिया रहना। एक दिन चंद मेरे को बुजुर्ग बह गए जिन्हों के वाल भी सफेद हो गए ने, मेरे को बैठे, मैं क्या जी तुसा कलमा कि पढ़िया, आंदे जी हजूर का पढ़िया। मैं क्या जी उस हजूर का नाम की है, वो आंदे ने जी उन्हों का नाम है सरकार। एक को पूछा उन्हें आख्या जी सरकार है साढ़े नबी का नाम। मैं एक और बंदे को पूछा, मैं क्या जी नाम नबी पाक दा, उन्हें आख्या जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम है। साढ़े उम्मतियां का यह हाल है कि सानू अपने नबी का नाम तक याद नहीं, तो कल क्यामत वाले दिन नबी पाक अली सलातु सलाम ने सानू एवें नहीं पहचान लेना। उदे वास्ते कुछ ना कुछ करन दी जरूरत है। दुनिया एक इम्तिहान गाह है, तुसी एक कमरा इम्तिहान अंदर बैठे हो, ये अंदर तैयारी करो। हर बंदे नू पता होंदा है कि मेरी जिदे नाल उल्फत है वह कितना प्यारा है, कितना सोहना है, उसकी खसूसियात की सन। लेकिन अज साढ़े मुसलमानों नू नबी पाक अली सलातु सलाम दे उसनों जमाल दा, नबी पाक अली सलाम दी खसूसियात दा पता ना होए तो कितने अफसोस वाली बात है। अल्लाह को दुआ करो अल्लाह सानू सारे नू नबी पाक अली सलातु सलाम दा पक्का सच्चा होबदार बनाए। मैं नबी अली सलातु सलाम दे हुसन दे मुतालिक चंद बातां तुहाडे सामने जाहिर करांगा। अल्लाह को दुआ फरमाओ अल्लाह रब रहमान मेरा शरा सदर फरमाए और मैं तुहानू समझाने दी और सानू सारे नू समझ के उस ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। मेरे और तुहाडे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद
नबी पाक अली सलातो सलाम दा नाम आए प्यार नाल दरूद पढ़िए जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे अल्लाह रब रहमान ने फरमाया या अय्युहन्नबी इन्ना अरसलना का शाहिदं व मुबशिरं व नजीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही वसिराजं मुनीरा। फरमाया कायनात दे लोगो अल्लाह रब रहमान ने अपने नबी नु मुखातिब कीता ऐ मेरे प्यारे नबी जी सोणियो जी जी अल्लाह जी आर्डर फरमाओ ना। फरमाया असा तुहानू मुबशिर बना के भेजे है असा तुहानू मुनजिर बना के भेजे है बशीर नज़ीर बना के भेजे है वदाइयन इलल्ला भी बनाया है सिराजम मुनीरा दा ताज भी तुहाडे सर उत्ते सजा दिता है। अल्लाह अकबर महबूबा सोनिया तुहाडियां ड्यूटियां तुहाडी उम्मत दे वास्ते ला दित्तियां ने तुहाडी उम्मत दे अंदर तुहाडी नबूवत दे तुहाडी खत्मे नबूवत दे डंके अल्लाह रब रहमान ने बजवा दिते ने कि सारी कायनात वाले हो जितने भी इंसान दुनिया दे अंदर बसण वाले हो पहलियां उम्मतां सारियां खत्म हो गई ने कोई एक बस्ती दी तरफ नबी बन के आया है कोई एक पिंड दी तरफ एक शहर दी तरफ नबी बन के आया चंद पिंडां दी तरफ चंद शहरां दी तरफ एक नबी बन के आउंदा सी लेकिन कुर्बान जावां अपने नबी दी शान तो मेरा नबी एक कायनात दे अंदर एक पिंड या एक शहर दे वास्ते नबी नहीं बल्कि मेरा पैगंबर दोना जहाना दा इमाम बन के आया है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु सलाम नु अल्लाह रब रहमान ने बड़ा आला मुकाम अता कीता है उस नबी दियां रातां भी आला ने उस नबी दे दिन भी बड़े बाकमाल ने। अल्लाह अकबर रबीउल अव्वल दा महीना आ गया है एदे अंदर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु सलाम दुनिया दे अंदर आए ने इसे महीने दे अंदर ही मेरे नबी दुनिया तो कूच फरमा गए ने। अल्लाह अकबर कायनात दे लोगो नबी पाक अली सलाम दा हुसन बयान करा मैं बात करना चाहना नबी पाक अली सलातु सलाम दे पैदा होन तो लैके नबी पाक दी वफात तक गल करना चाहना वा। मेरे पैगंबर अलैहि सलातु सलाम कितने प्यारे बन के आए ने कितने हुसीनो जमील बन के आए ने। सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान कर दिया ने फरमांदियां ने नबी दे उम्मतियो अल्लाह अकबर मिस्र दे अंदर यूसुफ अली सलातु सलाम नु मिस्र दियां कराड़ियां ने वेख्या मिस्र दियां औरतां ने वेख्या उन्हां अल्लाह दे नबी यूसुफ दियां ज़ियारतां कीतियां ने अपनी उंगलां ते छुरियां चला लईयां ने फरमांदियां ने अगर मेरे यूसुफ नु अगर वेख लैंदियां मेरा यूसुफ कौन जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मां जी फरमांदियां ने अगर मेरे मुहम्मद मेरे नबी नू वेख लेंदियां ते मेरा ईमान अपने हत्थां ते नहीं बल्कि अपने जिगरां ते झुरियां चला लेंदियां। अल्लाह ने इतना हुसीन बनाया है अल्लाह ने इन्ना प्यारा बनाया मेरे नबी नू। अल्लाह अकबर आइए मैं नबी पाक अली सलातु सलाम दे पैदा होन तो गल दा आगाज करा। मेरे पैगंबर जदों दुनिया ते आए ने मेरे नबी अलैहिस्सलातु सलाम दा दादा अब्दुल मुतलिब इन्हां ने नबी पाक अली सलाम दी पैदाइश अंदर चंद दिन बाद दावत रखी है सारे कुरैशियां नू बुलाया है यारां नू बुलाया कबीले वालियां नू बुलाया है ते आखे आओ ना मेरे घर दे अंदर मेरा पोता जड़ा अब्दुल्ला दी निशानी बन के आया है मैं तुहानू उहदियां ज़ियारतां करवाना चाहना वा आओ ते सही पुत्र वेखण वास्ते नाल दावत खा जाओ। सारे कबीले दे लोग सारे यार इकट्ठे हो के दावत दे सिलसिले दे अंदर आए ने ते अब्दुल मुतलिब नू आके कहन लगे ने
दस ना जड़ा पुत्र आया है ओदा नाम की रखे अब्दुल मुतलिब कहन लगे ने मैं ओदा नाम मुहम्मद रख दिता है। कबीले दे लोग कहन लगे ने अब्दुल मुतलिब असा ते तेनू बड़ा सियाणा बंदा समझिया सी तू बड़ा अजीब नाम रख दिता है। अरबी जानन वाले सन ठोस अरबी दे माहिर लोग सन कहन लगे ने तेनू चाहिदा सी अब्दुल उज़ा नाम रख लेंदा अब्दुल्ला अब्दुल मनात नाम रख लेंदा ते तू मुहम्मद नाम रख दिता है बड़ा उच्चा नाम है। मुहम्मद दा माना की है मुहम्मद दा माना तारीफ कीता गया की मतलब जिदियां सारा जग तारीफा करे ओनू मुहम्मद रसूलुल्लाह कहंदे ने। आंदे ने यार एडा सियाणा बंदा ते नाम किवें दा रख छड्या अब्दुल उज़ा रख लेंदा अब्दुल लात अब्दुल मनात एडे सोहणे नां ने साडे रब्बां दे उहनां दे नां ते रखदा तू बड़ा उच्चा ना रखिया ज़ियादती कीती है। ते अब्दुल मुतलिब पता की कहन लगे ने ओ कमलियो एक मिनट जरा जुबान खामोश रखो मैं पुत्र लैके आना वा ओदा ज़ियारत करो ओदे चेहरे नूं तको ते सही बाद दे अंदर तुसा फैसला आप ही करना ओदा नाम की होना चाहिदा सी। दादा जी अंदर गए नबी पाक अली सलातु सलाम नूं हत्थां ते चुकिया मेरे और तुहाडे पीर मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू हाथां ते उठाया। दादे अब्दुल मुतलिब ने लैके आ गए ने आ गया दिन लो ना यारो मेरे बच्चे दा मुखड़ा ते तक लो चेहरा ते वेख लो ना। नबी पाक अली सलातु सलाम दे चेहरे तो नकाब हटाया कपड़ा हटाया है ते इन्हां दियां नज़रां मेरे पैगंबर दे चेहरे ते जम जांदियां ने मेरे नबी दे चेहरे ते टिक टिकियां लगा के वेखी जांदे ने ते सारे कहन लगे ने अब्दुल मुतलिब सच्चा नाम रखिया ही इस बच्चे दा नाम मुहम्मद तो इलावा कोई होर भब सकदा ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर अल्लाह ने बचपन दे अंदर भी मेरे नबी नू इतना प्यारा बनाया इतना हुसीन बनाया इतना जमील बनाया है। अल्लाह अकबर वक्त गुजरिया चंद दिन गुजर गए ने मक्के दे अंदर रवाज चलता सी के दूर दराज पिंडा दियां औरतां आया कर दियां पिंडा दियां दाइयां आया कर दियां के बच्चे ले जांदियां अल्लाह अकबर जाके परवरिश करिया कर दियां ते बच्चे दे घर वाले उन्हां दाइयां नू कुछ ना कुछ खराजात दिया करदे सन पैसे दया करते सन। इसे तरह वक्त गुजरता पिया नबी पाक अली सलातु सलाम की पैदाइश के मौका ते भी चंद दिन बाद बनू सात कबीले दियां औरतां आ गईयां ने आके अमीर अमीर घरां दे बच्चे चुक दियां पईयां ने। अल्लाह अकबर कई दाइयां चलदियां चलदियां वेखण आईयां ने मां आमिना दे घर दे अंदर वेख के ते टुर जांदियां ने कि इहदा बाप जिंदा कोई नहीं सानू अखराजात किहड़ा देवेगा सानू पैसे कौन देवेगा मैं तेंज करके क्या करना वा ओ दाइयां आप छड़ के नहीं सी गईयां मेरे रब ताला ने छुड़ा लिया है। मेरे रब ने मेरे नबी अली सलातु सलाम ने उन्हां दे ज़िमन दे अंदर नहीं देना चाहिया। अल्लाह अकबर रब ताला ने मेरे पैगंबर अलैहि सलातु सलाम ने हलीमा दी जोली अंदर पाना सी इसे तरह दाई हलीमा बाद अंदर आई है कमजोर जी गद्दी दे उत्ते सवार होके आई है नाले दा खावंद हारिस भी आया है ते आके आंदे ने सारियां दाइयां बच्चे लै गईयां ने हुण सानू बच्चा केड़ा दिन वास्ते तैयार होएगा हुण ते किसे अमीर घर दा बच्चा भी कोई नहीं रह गया। अल्लाह अकबर आपर आपस दे अंदर मशवरे करदे पए ने एक बच्चा बचे है अब्दुल्ला जिहड़ा दुनिया तो टुर गया कुरैशी खानदान दा ओदी निशानी बन के आण वाला एक छोटा जिहा बच्चा आया आउना जाके ओनू वेख के आईए पहले कहन लगे ने ना ना असां कातों लैके जाना बाद अंदर मशवरा कीता कहन लगे ने असा खाली अपने घर दे अंदर नहीं जाना चाहिए यतीम बच्चा ही लै जाइए हो सकता साडे वास्ते बाएं से रहमत बन जाए बाएं से बरकत बन जाए। अल्लाह अकबर इसे तरह ना कीता है जाके आमिना दा दरवाजा खड़का दिता है कहन लगे ने लिया ना आमिना अपना पुत्र ते वखा ना केड़ा अल्लाह ने तेनू बेटा दिता है ते मां जी आमिना अपने हत्थां ते मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू लिया ने आगे कहंदियां मेरे बच्चे नू तको ते सही ना बाकी गल्लां बाद अंदर आउणगियां ते मां जी हलीमा ने मेरे नबी दे चेहरे ते नजरां जमाईयां ने अपने खामद हारिस नू कहंदियां ने हारिस अल्लाह दी कसम ने अज तक एडा सोहना प्यारा बच्चा मैं नहीं वेखिया है।
एडा सोहना बच्चा मैं अज तक वेखिया ही कोई नहीं। माँ जी लीमा कह लगी मैं इनू लैके जाना है। हारिस कहिंदा जे तेनू कोई इतराज़ नहीं तो मैनू कहदा इतराज़ है, मेरे भी दिल नू बच्चा बड़ा लगे, असा इनू लैके जाना है। नबी पाक अली सलातु सलाम ने उठाया, उठा के जो अपने घर के अंदर गए ने ना, माँ जी हलीमा बयान कर दिया ने साडे इलाके के अंदर कह चलता पिया सी, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे घर दे आन की वजह तो अल्लाह ने सारे फाके ते सारे कहत ही दूर कर छड़े ने। मेरे पैगंबर अली सलातु सलाम के जिथे कदम लग जान अल्लाह उस जगह नू आला बना छड़दे ने, अल्लाह उस जगह नू अरफा बना छड़दे ने। क्यों? मेरे पैगंबर अली सलातु सलाम नू अल्लाह ने बनाए बड़ा सोहना, बड़िया शाना वाला, बड़िया इज्जतों वाला, बड़े मुकाम वाला बनाया। मेरे और तुहाडे पीर मुर्शिद जनाब मुहम्मद, गज वज के नबी पाक दे दरूद पढ़ो जनाब मुहम्मद। एसी चलता प्यार जरा ठंडिया ठंडिया तुहानू रखिया, लेकिन ठंडिया बोलने वालों नहीं रहना, थोड़ा थोड़ा बोलते जाओ। मेरे पैगंबर अलैहिस सलातु सलाम का नाम आए प्यार नाल जरा झूम जाना है। मेरे और तुहाडे पीर मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अल्लाह रब रहमान ने बड़ा प्यारा बनाया, बड़ा हुसीन बनाया है। अल्लाह अकबर, ओ एडा सोना रब सोने नू बनाया ते सोनिया दे मान टुट गए। एडा सोना रब सोने नू बनाया ते सोनिया दे मान टुट गए। सोने वर्गा ना सोना कोई आया ते सोनिया दे मान टुट गए। मोड़ मोड़ चन वेखे आमिना दी गलीए, तेरे नालों सोनी चन्ना ओदे पैर दी तलीए। जिदों चन ने तकाया फिर तारियां नू बुलाया, जिदों तारियां जुरमट पाया फिर सारियां ने गाया के सोनिया दे मान टुट गए, के सोनियां दे मान टुट गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह रब रहमान ने एडा प्यारा बनाया, एडा हुसीन बनाया है। सदके जावा कुर्बान जावा मेरे नबी दी जवानी दी तरफे ले चला। मेरे पैगंबर अलैहिस सलातु सलाम नू अल्लाह ने जवानी अंदर कितना प्यारा बनाया है, अल्लाह ने कितना हुसीन बनाया मेरे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू। मेरे पैगंबर अलैहिस सलातु सलाम ने हिजरत दा मौका आ गया है, नबी अलैहि सलातु सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला हुन ना ले आए। मेरे नबी हिजरत फरमा गए ने यसरब दी तरफे, मेरे नबी ने हिजरत फरमाई है जो कि मदीना तुर रसूल बन गया। मेरे नबी अलैहि सलातु सलाम मक्के दे अंदरों निकले ने, चलते जा रहे ने रस्ते दे अंदर, भुख लग गई है मेरे नबी नू, मेरे नबी नू प्यास लग गई है, जनाब अबू बकर नू भी भुख लगती पई है, हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह नू भी भुख लगती पई है। मेरे रब तआला भी वेंदे होणगे के कायनात दे अंदर मेरा सारियां तो अनमोल खजाना मेरा नबी दुनिया दे उत्ते मेरी खातर हिजरत करदा पिया है, मेरी खातर शहर छड़दा पिया है, मेरी खातर कबीला छड़दा पिया है। अल्लाह भी देखदे पैने, अल्लाह रब रहमान भी आसमाना ते नज़ारे करदे पैने, मेरे पैगंबर अली सलातु सलाम देखदे पैने। चाहे कोई रस्ते दे अंदर कोई जगह मिल जाए, किते पड़ाव डालिए, जिथों कुछ खान वास्ते मिल जाए, रास्ते दे अंदर एक खैमा नजर आया, मेरे पैगंबर अली सलातु सलाम ने अबू बकर नू बुलाया, फरमाया अबू बकर प्यारे जाना इस खैमे दे अंदर जाके वेख के आना, इस खैमे दे अंदर कौन है, एदे अंदरों कुछ खान पीन वास्ते मिल सकता है। मशहूर है वह खैमा उम्मे माबत दा खैमा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु आए ने ते आके वेख्या खैमे दे अंदर, आके आवाज दी है घर दे अंदर कोई है वे मौजूद है वे साड़ी गल सुनन वाला, असि मुसाफिर सानू कुछ खान पीन वास्ते समान चाहिए। अल्लाह अकबर, एक औरत आई है बूढ़ी जी औरत है, ये आके कह लगी है दसना तुसी कौन हो किधर आए हो। अबू बकर कहन लगे ने बीबी मैं आया वा नाल मेरा नबी आया है, नाल मेरा सरदार आया। बीबी कहन लगी है लियाओ ना
ਆਰਾਮ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਖੁਆਏ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲਿਆ ਬੀਬੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਬੀਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਏ, ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਹੁਸੀਨ ਸੋਹਣੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਡੇ ਪਿਆਰੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਖਾਮਤ ਚਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਬੱਕਰੀ ਬੱਜੀ ਏ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਬੱਜੀ ਏ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਏ? ਇਸ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਬੱਕਰੀ 'ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਏ, ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਏ। ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਜੋਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਲਾਗਰ ਬੱਕਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਦੇਗੀ? ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨੇ ਬੀਬੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਨੀ ਬੀਬੀ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਏ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਏ। ਫਰਮਾਇਆ, ਬੀਬੀ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਤੇ ਦੇਣਾ? ਬੀਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਜੋਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਨੀ ਕਮਲੀਏ ਤੇਰੇ ਖੈਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਮਾਮ ਕਾਇਨਾਤ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਬੀਬੀ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਜੋਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ। ਬੀਬੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਅੱਛਾ ਜਾਓ ਫਿਰ, ਜੇ ਚੋਈ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਤਾਂ ਚੋ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਵੇਖੀ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਮੇ ਮਾਬਤ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਲਿਆ। ਉਮੇ ਮਾਬਤ ਗਈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਰਤਨ ਲਿਆਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨੱਪਿਆਂ ਗੁੱਡਿਆਂ ਤਾਰ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਵੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਜ ਨਾ ਬਰਤਨ ਫੜਾਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ, ਅੱਲਾ 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 ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦੇਰ ਏ। ਅੱਲਾ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੱਕਰੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਬਰਤਨ ਫੜਿਆ, ਦੁੱਧ ਚੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਬਰਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਚੋਇਆ। ਫਰਮਾਇਆ, ਉਮੇ ਮਾਬਤ ਔਰ ਬਰਤਨ ਲਿਆ, ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਔਰ ਬਰਤਨ ਲਿਆਈ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਬਰਤਨ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਬਰਤਨ ਲਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਤਾਜੁਬ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਜੋਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਦੁੱਧ ਚੋਇਆ, ਆਪ ਵੀ ਪੀਤਾ, ਅਬੂ ਬੱਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਲਾਇਆ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਦਰਸ਼ਾਵਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਮੇ ਮਾਬਤ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਬੂ ਮਾਬਤ ਆਇਆ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਨੀ ਉਮੇ ਮਾਬਤ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਅੱਜ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਅੱਜ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏ ਅੱਲਾ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਕਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏ ਅੱਲਾ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਰ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਸ ਰਸਤਿਓਂ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰ ਛੱਡਦਾ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਾ ਛੱਡਦਾ ਏ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਦੱਸ ਨਾ ਘਰ ਵਾਲੀਏ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ।
एहसान है। ते वे तेनू की दसा, एक नौजवान कितना हुसीन सी, कितना प्यारा सी। उम्मे माबद ने नबी पाक इस्लाम दा हुसन बयान कीता है। हजरत इमाम बुखारी रहमहुल्ला ने अपनी सही दमदर उम्मे माबद दी बातों नकल कर छड़िया है। उम्मे माबद दी बातों का तर्जमा कर लगा वा, अपने खामद नू कह लगी है वे अबू माबद की पुछना है उस बंदे दे बारे। मैं अज तक उस बंदे दे नाल दा हुसीनो जमील बंदा नहीं वेख्या, अज तक उहदे नाल दा खूबरू बंदा नहीं वेख्या। कह लगा है दसना उहदियां तारीफां ते करना, उहदा हुसन बयान करना। उम्मे माबद ने मेरे पैगंबर दा हुसन बयान करना शुरू कर दिता। कहंदी है वे उहदे वालां दे बारे पुछना, बड़े प्यारे उहदे वाल सन, सोहणियां सोहणियां जुल्फां मोढे कजदियां पईआं सन। अल्लाह अकबर, मत्थे दी वारी आई है, उहदी पिछानी इतनी चमकदार सी, अज तक इतनी चमकदार पिछानी नहीं वेखी। उहदियां अखां दे बारे पुछना, इतनियां सियाह अखां सन। उहदियां पलकां दे बारे पुछना, इतनियां गनियां पलकां सन। ते उहदियां अखां जड़ियां इतनियां सियाह सन, इंज लगदा जिवें रब ने आप ही सुरमा भी पा छड़िया है। अल्लाह अकबर, कुरबान जावा, मेरे पैगंबर दा हुसन बयान करदी पई है। बीबी कहंदी है वे की पुछना उहदे रुखसारां दे बारे, उहदे रुखसार बड़े चमकदार सन, बड़े खमदार, उहदे खूबरू खूबसूरत सन। अल्लाह अकबर, उहदे होंठ बड़े कमाल सन, उहदी दाढ़ी बड़ी प्यारी सी, ते जदों चुप करके बहिंदा सी बड़ा बावा कार लगदा सी, जदों बोलदा सी इंज लगदा जिवें मोती रोलदा पिया है। अल्लाह अकबर, मेरे नबी दियां तारीफां करदी पई है। अबू माबद जल्दी दे नाल बाहर गया है, आंदा मैं वेख के ते आवां किधर गए ने आण वाले, मैं भी ज़ियारतां करके आवां, कितना हुसीन नौजवान साढ़े खैमे दे अंदरों निकले है। इन्हां नबी पाक अलैहिस्सलाम दा हुसन वेख्या है, ते अबू माबद जल्दी दे नाल नबी पाक अलैहिस्सलाम दे पिछे गया है। मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन लिखदे ने जल्दी दे नाल जाके नबी पाक नूं मिलिया। ये कहन लगा है महबूब जी, मेरे घर दे अंदर आउना, ते मैं भी ते मेरी बीवी भी तुहाडा हुसन वेख्या है, तुसी दसो ना तुसी कौन हो, केड़ा दीन लैके आए हो। मेरे पैगंबर सलातु सलाम ने दीन इस्लाम दियां तबलीगां कीतियां ने। अल्लाह रब रहमान ने मेरे नबी दा हुसन तकन दी वजह तो इन्हां दुआ घर वालियां नूं ईमान वाला बना छड्या है। सिर्फ हुसन तकन दी वजह तो अल्लाह ने इमाम दी दौलत दे नाल माला माल कर छड़िया। इतना हुसीन नबी पाक नूं बनाया। शमाइले तिरमिजी दे अंदर हजरत इमाम तिरमिजी रहिमहुल्ला ने इन्नियां कु रिवायतां, इतनियां कु हदीसां नबी पाक दे हुसन दे बारे बयान कीतियां ने। अल्लाह दी कसम है, कदी शमाइले तिरमिजी तुसीं घरां दे अंदर लियाओ ना, मुतरजम तर्जमे वाली, वह पढ़िया करो। नबी पाक दे नाल प्यार करन ते दिल ही बड़ा करदा है, नबी पाक नाल मुहब्बत करन ते बड़ा दिल करदा। जदों नबी पाक दा हुसन सुनिए, सानू एक्टर दा ते पता किवें दा एक्टर है, उहदा हुसन किवें दा, उहदी शक्ल सूरत किवें दी है, लेकिन इमामे कायनात दे बारे सानू पता ना होए ते कितने अफसोस वाली गल है। जिस नबी दा कलमा पढ़िया उस नबी दे हुसन दा सानू पता ना होवे ते असीं उस नबी दे उम्मती बन सकने आ। उस नबी की खसूसियात के बारे, हुसन के बारे पता रखिए। अल्लाह उस नबी नाल प्यार दी तौफीक अता फरमाए। मेरे और तुहाडे पीर मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगे चलिए, मेरे नबी दा हुसन बयान कर दें, गल अगे बढ़ावा। मेरे पैगंबर अलैहि सलातु सलाम मदीने दे अंदर पहुँचे ने, सहाबा किराम चंद नाल ने। मदीने वालियां नूं पता चलिया है मक्के दे अंदरों एक नबी आया है, नबूवत दा दावा करन वाला आया है। आके नबी पाक दियां ज़ियारतां करदे पए ने, आके नबी पाक दा दीदार करदे पए ने। इन्हां दीदार करन वालियां दे अंदर एक यहूदियां दा बड़ा वड्डा आलिम हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आए ने, जो के बाद अंदर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे लकब दे नाल सरफराज हो गए ने। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम बयान करदे ने, मैं नबी पाक अली सलाम तू सलाम दी ज़ियारत वास्ते आया वा, मैनू पता चलिया कि मदीने दे अंदर एक नबी आया, मक्के दे अंदरों हिजरत करके आया है। हज़रत अब्दुल्ला
ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਰਾਤ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਹਿਰ ਕਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਰਾਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇੰਜੀਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਵਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਬੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਬੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੂਰੋਂ ਟਿਕਟਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਮਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਰੀਬ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਔਰ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਦੇਰੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਸਲਾਮ, ਦੱਸਣਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਏ, ਬਸ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਤੱਕੀ ਜਾਣਾ ਏ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਦੱਸਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਬਦੁੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਏ, ਲਈ ਸਭੀ ਵਜ ਹਿੰ ਕਜ਼ਾਬ, ਲਈ ਸਭੀ ਵਜ ਹਿੰ ਕਜ਼ਾਬ। ਓਏ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਸਲਾਮ, ਇਹ ਇਤਨਾ ਹੁਸੀਨ ਚਿਹਰਾ ਏ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਏ, ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਝੂਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਝੂਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਜਾ ਇਸ ਨਬੀ ਦਾ, ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਬਣ ਜਾ ਇਸ ਨਬੀ ਦਾ, ਵਫਾਦਾਰ ਬਣ ਜਾ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਰੁਖੇ ਅਨਵਰ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਤੱਕ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੱਕ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਰੁਖਸਾਰ ਤੱਕ ਲੈ ਨੇ, ਉਹ ਦੀਵਾਨੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ, ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਹੁਸਨ ਤੱਕਿਆ, ਅਤੇ ਹਬਸ਼ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬਿਲਾਲ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਰੂਮ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੁਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮਸਦਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਫਾਰਸ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਲਮਾਨ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਵਾਪਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਤੋਂ ਵਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਤੋਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਦਾ ਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਕਦ ਨਰਾ ਕੱਲੂਬਾ ਵਜ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾ, ਵਜ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾ, ਵਜ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾ, ਫਾਲਾ ਨੂੰ ਵੱਲੀ ਅੰਨਾ ਕਾ ਕਿਬਲਾ ਤਨ ਤਰਜ਼ਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰਾ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਚਿਹਰਾ ਉੱਠਦਿਆਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੱਕਿਆ ਏ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ, ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਮੌਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨੂੰ, ਕਿ ਦੀਨ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਬਲਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਕਿਬਲਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਿਆਓ, ਬੈਤੁਲ ਮਕਦਸ ਸਾਡਾ ਕਿਬਲਾ ਏ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨੇ ਅੱਲਾ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਿਹਰਾ ਉਠਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੀ, ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਸਿਰਫ ਚਿਹਰਾ ਉਠਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਨਿਗਾਹਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਅੰਦਰ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਉੱਠਣਾ ਮਹਬੂਬਾ ਮੈਨੂੰ ਏਡਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਬਲਾ ਬਦਲ ਕੇ ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਬਲਾ ਬੈਤੁੱਲਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਏ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉੱਠੇ ਅੱਲਾ ਕਿਬਲਾ ਬਦਲ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕਿਬਲੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਛੱਡਦਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉੱਠਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇਤਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਹੁਸੀਨ ਬਣਾਇਆ, ਇਤਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਪੁਰਕਸ਼ਿਸ਼ ਚਿਹਰਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ। ਸਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸਾਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਆ ਕੇ ਆਖਣਾ ਆਓ ਨਾ ਕਦੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਅੱਜ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪ ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਮਾਮ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੱਕਿਆ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹੁਮ ਵਰਜ਼ੂ ਅਨ, ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਹੁਸੀਨ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ।
नबी पाक अली सलाम दा हुसन तकिया नहीं, लेकिन दिल अंदर प्यार बड़ा, मुहब्बत बड़ी। ये सारे जितने अफराद आए हो, मेरा ईमान है हर बंदे दे दिल अंदर चाहत है, हर बंदे दे दिल अंदर ईमान है, हर बंदे दा दिल करदा है अल्लाह काश नबी पाक दी ज़ियारत हो जाए, अल्लाह काश ख्वाब दे अंदर नबी पाक दा दीदार हो जाए। लेकिन अल्लाह दे बंदे हो, अगर दुनिया दे नबी पाक दा दीदार ना होया, नबी पाक दा प्यार लैके कल कियामत वाले दिन जाना तुहाडा कम है। इंशा अल्लाह नबी पाक दा कल कियामत वाले दिन जन्नतां दे अंदर अल्लाह ने दीदार करा छड़ना है, करना ना इंशाअल्लाह दीदार सारिया करना है। अल्लाह तुहानू सारिआं नूं नबी पाक दा दीदार अता फरमाए। मेरे और तुहाडे पीर मुर्शिद जनाब मुहम्मद, प्यार नाल बोलदे जाइए, बातां दा एंड करिए। जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हुसन दियां किरणां, हुसन दियां किरणां, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हुसन दियां बातां। अल्लाह लाला आमीना दे लाल जया कौन होवेगा, उस बेमिसाल जया कौन होवेगा, आमीना दे लाल जया कौन होवेगा, हजर ते शजर जिन्नू देवन सलामियाँ, नूर जिस सोने दियाँ करन गुलामियाँ, नूर जिस सोने दियाँ करन गुलामियाँ, उस बा कमाल जया कौन होवेगा, आमीना दे लाल जया कौन होवेगा, आमीना दे लाल जया कौन होवेगा। अल्लाह अकबर, सदके जावा, लख वार कुर्बान जावा, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हुसन दियां बातां करदा पिया वा। मेरे नबी मदीने दे अंदर शिफ्ट हो गए ने, सहाबाई किराम जोग दर जोग नबी पाक दे मुरीद बनते जा रहे ने, कलमा पढ़ते जा रहे ने, मेरे नबी दे मुरीद बनते जा रहे ने, मेरे नबी दे परवाने बनते जा रहे ने, मेरे नबी दे दीवाने बनते जा रहे ने, दिन ब दिन मेरे नबी दे सहाबा वधते जा रहे ने, नबी दे परवाने वधते जा रहे ने। अल्लाह अकबर, इन्हां परवानियां दे अंदर एक नबी दा यार है हजरत जाबर बिन सामूरा रजी अल्लाह तआला को बयान करदे ने, फरमांदे ने, लोगो एक रात दा टाइम आया है, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु सलाम घर दे अंदर नहीं गए, मेरे नबी मस्जिद नबी दे अंदर आराम करदे पए ने। अल्लाह अकबर, हजरत जाबर फरमांदे ने, अल्लाह दी कमाल वेखिए ना, अल्लाह रब रहमान दी रहमत देखिए कि मेरे पैगंबर मस्जिद नबी दे सेन अंदर आराम करदे पए ने। मेरे नबी अलैहिस्सलातु सलाम ने सुरख रंग दा लिबास पाया है, मेरे पैगंबर मस्जिद नबी दे अंदर लेटे ने। फरमांदे ने, इधर आसमाना ते चौदवी दा चन्न चमका मारदा पिया है, इधर मदीने दा चन्न चमकदा है, इधर आसमाना दे उते चौदवी दा चन्न अपनियां रोशनियां दिखांदा पिया है, जमीन ते आमीना दा चन्न अपनियां रोशनियां दिखांदा पिया है। हजरत जाबर फरमांदे ने, मेरा दिल कीता कोल जाके नबी पाक दियां ज़ियारतां करां, मैं नेड़े जाके नबी पाक दा चेहरा वेखां। फरमांदे ने, मैं आखिया अज मैं फैसला करना है कि आसमाना दा चन्न ज़्यादा सोहणा है या आमीना दा चन्न ज़्यादा सोहणा है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जावां, सहाबा ने मुहब्बतां दी इंतहा कर छड्डी है, सहाबा ने प्यार दी इंतहा कर छड्डी है मेरे नबी नाल। अल्लाह अकबर, मैं कित्थों लियावां सहाबा जिहा प्यार, कित्थों लियावां नबी पाक दे यारां जिहा प्यार, मेरे नबी दे यारां ने जिहदा प्यार कीता नबी पाक अली सलातु सलाम दे नाल। हजरत जाबर जमीन उत्ते बह गए ने, नबी पाक दे चेहरे दी तरफ वेखी जा रहे ने। फरमांदे ने, मैं एक नज़र नबी पाक नूं वेना वा, एक नज़र आसमाना वाला सुमाना दे चन्न नूं वेखी जाना वा। फरमांदे ने, बार बार कदी आमीना दा चन्न वेना वा, कदी आसमाना दा चन्न वेना वा, कदी मदीने दा मुस्तफा देखदा पिया वा, आसमाना दे कमर च नज़रां जमांदा पिया वा। बार बार मेरी नज़र जमदियाँ पईआं ने। हज़रत जाबर फरमांदे ने, मैं हुण फैसला सुनान लगा वा, काफ़ी देर दीदार तो बाद, काफ़ी देर नबी पाक अली सलातु सलाम दा हुसन तकन तो बाद मेरे दिल ने फैसला कीता, फैसला सुनान लगा वा। हाँ हाँ जाबर, सुना ना की फैसला कीता ई। हज़रत जाबर फरमांदे ने, मैं आसमाना दे चन्न नूं वेख्या, ओहदे अंदर मैनू दाग नज़र आए ने, ओहदे अंदर मैनू दाग दबे नज़र आए ने। अल्लाह
अल्लाहू अकबर फरमांदे ने मैं नबी पाक अली सलातु सलाम दा चेहरा तकम तो बाद फैसला कर दिता है मेरे पैगंबर अली सलातु सलाम नु अल्लाह रब रहमान ने चन दे नालों भी ज्यादा हुसैन बना दिता है। अल्लाह अकबर चन नालों भी ज्यादा हुसैन बनाया मेरे पैगंबर नु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लखां करोड़ां दुरूद मेरे पैगंबर अलैहि सलातु सलाम ते। साडियां जिंदगियां मुक जान नबी पाक ते दुरूद पढ़दियां पढ़दियां साडियां जिंदगियां खत्म हो जान। साडे साह मुक जान नबी पाक दियां तरीफां करदियां करदियां हक अदा नहीं हुंदा। सदके जावां अल्लाह ने इतना प्यारा बनाया। आखिरी गल हजरत अम्मा जी उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने नबी पाक अली सलातु सलाम मेरे घर दे अंदर आया करदे सन। नबी पाक ने दोपहर नूं आना उम्मे सुलैम दे घर दे अंदर आके दोपहर दे टाइम नबी पाक ने कैलूला करना। दोपहर दे टाइम जिहड़ा थोड़ा जिहा सोई दा ना इहनूं कैलूला कहिंदे ने अरबी दे अंदर। हज़रत मां जी उम्मे सुलैम फरमांदियां ने नबी पाक ने आना आके मेरे घर दे अंदर चटाई बिछा लैनी। मैं चटाई लाई होनी नबी पाक ने तकिया लैना कैलूला करना बाद दे अंदर उठ के मस्जिद नबी दे अंदर चलिया जाना। फरमांदियां मामूल चलदा पिया नबी पाक रोज़ाना आंदे ने कदी नागा हो जांदा कदी रोज़ाना आ जांदे ने। फरमांदियां ने एक दिन फिर ऐसा दिन आया नबी पाक अली सलाम मेरे घर दे अंदर आए ने। अल्लाह ने अजीब ही मंजर विखा दिता है। नबी पाक घर दे अंदर आए ने। अज किसी के घर कोई एम पी ए जाए कोई एम एन ए जाए तो असीं साडे पैर जमीन ते नहीं लगते। असीं आने यार साडे घर दे अंदर फलाना काउंसलर आया सी फलाना एम पी एस फलाना एम एन ए साढ़े घर के अंदर आया सी। लेकिन उन्होंने किस्मत तो सदके जावां जिन्हों के घर के अंदर आमीना का लाल आ गया है। हाय हाय कुर्बान जाइए मेरे और तो हाडे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके आराम करना माँ जी उम्मे सुलैम दे घर अंदर। हजरत उम्मे सुलैम फरमादियां ने नबी पाक मेरे घर दे अंदर आराम करने वास्ते आए ने। आके मेरे नबी लेट गए ने। गर्मी दी बड़ी शिद्दत है नबी पाक दी अख लग जाती है नबी पाक सो गए ने। फरमादियां ने मैं नबी पाक अली सलाम तू सलाम नू देखिया मेरे पैगंबर दी पेशानी ते पसीना आन लग पिया है। मेरे नबी दी जबीन उते पसीना आंदा पिया है। मोती बन बन के पसीने थले डिगदे पए ने। हजरत मां जी उम्मे सुलैम फरमादियां ने मेरिया नजर पईयां ने। मैं जल्दी दे नाल एक बर्तन फड़िया लिया के नबी पाक अली सलाम दी पेशानी दी तरफे रख दिता। फरमादियां ने मेरा ईमान के कहिंदा सी मेरे ईमान ने मैनू ये कह के जंजोड़िया नी उम्मे सुलैम तेरे नबी दा पसीना इतना पा के जमीन उत्ते नहीं गिरना चाहिदा। तेरे नबी दे पसीने दे कतरात तू संभाल के रख जमीन उत्ते नहीं गिरने चाहिए। हजरत मां जी उम्मे सुलैम फरमादियां ने मैं बर्तन के अंदर नबी पाक दा पसीना जमा पी करनी आ। पसीना आई जा रहा बर्तन के अंदर इधर नबी पाक नू जाग आ गई अख खुली मेरे महबूब दी। मेरे आका ने फरमाया उम्मे सुलैम दस ना की कर दी पई है। उम्मे सुलैम खैर ते है वे बर्तन का तो रखिया है। मां जी उम्मे सुलैम फरमादियां ने सोनिया तुहाडा पसीना जमा कर दी पई आ। तुहाडे पसीने नू जमा करके अपने कोल महफूज करना चाहनी आ। अल्लाह अकबर मां जी उम्मे सुलैम नू नबी पाक ने फरमाया नहीं उम्मे सुलैम दस ना मेरे पसीने दा की करना ही दस ना मेरा पसीना तेरे किस काम आएगा। अल्लाह अकबर हजरत मां जी उम्मे सुलैम दी बातां नू अगर सोने दे पानी दे नाल भी लिखिया जाए हक अदा नहीं हुंदा। मां जी उम्मे सुलैम कह लगियां ने महबूबा सोनिया तुहाडा पसीना इतना आला है मेरा ईमान है कि तुहाडे पसीने दा मुकाबला कायनात दी कोई भी खुशबू नहीं कर सकदी। तुहाडे पसीने दा मुकाबला कोई खुशबू या इतर कस्तूरी नहीं कर सकती। तुहाडे पसीने नू अल्लाह रब रहमान ने महकां वाला बनाया है अल्लाह ने खुशबूदार बनाया तुहाडे पसीने नू। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला नू फरमांदे ने मैं मां जी उम्मे सुलैम दे कोल गया मैं जाके अर्ज़ा कीतियां मां जी जिहड़ा पसीना नबी पाक दा तुसां जमा कीता है जिहड़ा पसीना नबी पाक दा इक डिब्बी दे अंदर बंद कीता है। मां जी फरमान लगियां हां
हां अनस मैं नबी पाक दा थोड़ा जा पसीना अपने कोल रखया है। हजरत अनस फरमांदे ने मां जी मैं दुनिया तो जावां मेरा दिल करदा मेरे कफन दे उत्ते उस पसीने दे छट्टे मार दे आ जे। मेरा दिल करदा मैं जावां नबी पाक दा पसीना मेरे कफन उत्ते डिगे। मेरा दिल करदा मैं नबी पाक अली सलाम दा पसीना नाल लैके कब्र दे अंदर जावां। हो सकदा एदी बरकत दे नाल अल्लाह मेरे गुनाहां नूं माफ कर देन। हो सकदा एदी वजह तो अल्लाह रब रहमान मैनूं जन्नत दे छड्डन। अल्लाह अकबर। हजरत अनस ने जदों वफात पाई है अल्लाह अकबर मुहद्दिसी लिखते ने सहाबाई किराम ने मां जुम्मे सुलैम दे कोलों उस पसीने दी डिब्बी नूं मंगवाया है लिया के हजरत अनस दे कफन दे उत्ते छिड़किया गया है ते दस दित्ता दुनिया दे लोगो कायनात दे अंदर अल्लाह रब रहमान ने नबी पाक अली सलाम दे नालों अफजल इंसान कोई नहीं बनाया। अज वेखिए ना मुसलमानों दर्दे दिल नाल पैगाम देना चाहना वा अज नबी पाक नूं हुसैन भी मनी जाने आ नबी पाक दियां बातां भी कोई नहीं मनदे नबी पाक नूं हुसैन नूं जमील मनी जाने आ। मेरे पैगंबर नूं अल्लाह रब रहमान ने बड़ा हुसैन बनाया सी। मेरे पैगंबर दे चेहरे दे उत्ते दाढ़ी अल्लाह रब रहमान ने उगाई है। अज असीं की करदे पए अंग्रेज़ां दे कल्चर लई फिरने आ। बड़ी माजरत दे नाल गुस्सा ना करना मेरी गल दा अज मुसलमान की करदे ने दाढ़ियां दे स्टाइल बनाई फिरदे ने अंग्रेज़ां वाले दाढ़ियां दे स्टाइल बनाई फिरदे ने। मेरे नबी दियां सुनतां नालियां दे अंदर गुजरदियां पईयां ने और रबीउल अव्वल आ गया जश्न ना मनाओ मेरे नबी दा मिशन अपनाओ। मेरे नबी अली सलाम तू सलाम दे तरीकियां नाल प्यार कर मेरे नबी दे हुसन नाल प्यार कर मेरे नबी दियां सुनतां नाल प्यार कर मेरे पैगंबर अली सलाम तू सलाम दे अमाल नाल प्यार कर। सिर्फ सोना मन के ना टुर जाई मेरे पैगंबर दा हुसन सुनाम दा मकसद की है। मेरे नबी नाल प्यार करन वाला बन जा मेरे नबी दी सूरत नूं अपने चेहरे ते लियाण वाला बन जा। मेरे नबी रब रहमान ने मेरे आका नूं दाढ़ी अता फरमाई है मैं त्यां नवां। अगर दाढ़ी मेरे नबी दे चेहरे ते ना फबदी अल्लाह ने उगन ही नहीं सी देनी। अल्लाह रब रहमान ने मेरे नबी दे चेहरे ते आन ही नहीं सी देनी। अज मुसलमानो अपने रब दे नाल वादा करके जाओ चंद ऐसे नौजवान चाहिए ने। कोई एक बंदा भी कह दे अज तो बाद मैं दाढ़ी रखन दा इरादा करना मैं कहना वा कि अज दा साडा जुमा कामयाब बन जाएगा कामयाब कामयाब तरीन बन जाएगा। अल्लाह अकबर। लेकिन की बनया असी नबी पाक दियां मुखालफतां भी करी जाने अल्लाह रब रहमान ने एडा आला मेरे नबी नूं बनाया मेरे नबी दी सूरत नूं अपनी सूरत ते लियाण दी कोशिश कर मेरे नबी दी सीरत नूं अपनी सीरत दे अंदर लियाण दी कोशिश कर। अल्लाह रब रहमान ने इस वास्ते मेरे नबी दे बारे फरमाया या अय्युहन नबीउ इन्ना अरसलना का शाहिदं व मुबशिरं व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजं मुनीरा। अल्लाह को दुआ फरमाओ अल्लाह रब रहमान सानू सारिया नबी पाक अली सलाम दा पक्का सच्चा हुबदार बनाए। अल्लाह रब रहमान दे कोल दुआ फरमाओ अल्लाह नबी पाक अली सलाम तू सलाम दी सूरत अपनाम दी तौफीक अता फरमाए। आखिरी गल कर रहे हैं पूरे मजमे दे अंदर है कोई ऐसा बंदा जड़ा आज वादा करदा इरादा करदा जी नबी पाक दी सूरत नू सामने रखदे होया अज तो बाद दाढ़ी नहीं लवावांगा। कोई एक बंदा अज लभ जाए ना अल्लाह दी कसम मुल मुड़ जाएगा जुमे दा साडा जुम्मा कामयाब हो जाएगा। इतना मजमा माशाल्लाह मेरे बुजुर्गों को अल्लाह ताला इस्तकामत अता फरमाए। होर भी कोई बंदा है जे कोई दाढ़ी रखना चाहे नबी पाक अली सलाम की सूरत अपनाओ इंशाल्लाह नबी पाक का हाथ फड़ के अल्लाह जन्नत अता करनगे। है कोई बंदा नबी पाक दे नाल प्यार करन वाला दाढ़ी रखन दा इरादा करे अल्लाह रब रहमान तौफीक अता फरमाए। जेड़े बुजुर्गों ने वादा किया अल्लाह इन्हों वादा निभा तौफीक अता फरमाए। आखिर अवाया अनिल हमदुल्ला रबिल आलमीन।